जय माता दी। मैं सरोज, कुकी सरोज में आप सबका स्वागत है। कहिए कैसे हैं आप लोग, आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज महामाई के व्रतों का छठा दिन है, तो चलिए आज फिर हम इनके लिए भोग के लिए थाली तैयार करते हैं। तो इसके लिए कहाँ चलेंगे आपको मालूम ही है, वही अपने किचन की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मजेदार सी रेसिपी। यहाँ पे मैंने पैन रख दिया था गैस पे गर्म होने के लिए। तो यहाँ पे हम डाल देंगे तेल, तेल को गर्म होने देंगे। जब तक तेल गर्म हो रहा है, जब तक मैं यहाँ फटाफट से टमाटर को कट कर लेती हूँ और साथ में हरी मिर्च भी। चलिए तेल गर्म हो गया है, यहाँ पे डाल रही हूँ मैं जीरा। जीरा हमारा तड़क गया है, इसके साथ फटाफट से मैं डालू यहाँ पे टमाटर और हरी मिर्च। अब इनको हम चला देंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। यहाँ पे मैं लिड लगा देती हूँ। चलिए लिड हटा देते हैं। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हल्दी और साथ ही डाल रही हूँ लाल मिर्च और धनिया और साथ ही डाल रही हूँ यहाँ पे मैं कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर और भुने हुए जीरे का पाउडर। तो इन सबको हम मिला देंगे और फिर से लीड लगा देंगे। जब तक हमारे टमाटर गल रहे हैं, जब तक यहाँ पे मैं आलू को मैश कर लेती हूँ। ये देखिए आलू गर्म थे, इसलिए मैंने ग्लास से इसको पूरा मैश कर लिया था। अभी देखिए टमाटर भी गल गए हैं हमारे। अब यहाँ पे मैं मैश किए हुए आलू इसमें डाल दूंगी और फिर इसको मिला देंगे। बस इसी तरीके से देखे हमने इनको मिला लिया है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सेंधा नमक, मिला देंगे इसको भी। अब डाल रही हूँ यहाँ पे मैं थोड़ी धनिया पत्ती, इसे भी मिला देंगे। अगर आपको देखे ऐसे सूखी खानी हो तो आप थोड़ी सूखी निकाल लीजिए, वरना थोड़ा इसमें पानी डाल के ग्रेवी बना सकते हैं। क्योंकि मैं कभी दोस्तों अगर बनाती हूँ, मैं थोड़ी सी सूखी भी निकाल लेती हूँ और उसके बाद ग्रेवी वाली भी रख लेती हूँ थोड़ी। चलिए लीड लगा देंगे, 2 मिनट बाद फिर से लीड हटा देंगे। ये देखिए सब्जी बनके तैयार है। चलिए बनाते हैं सावा के चावल। पैन रख दिया मैंने फिर से गर्म होने को, तेल डाल दिया है। ये देखिए कटोरे में मैंने सावा के चावल निकाल के धो लिए हैं। थोड़ा सा जीरा डाल दिया और अब फटाफट से सावा के चावल डाल देंगे। चला देंगे इनको और फिर इसमें हम पानी डाल देंगे, साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा सेंधा नमक। जब तक चावल बन रहे तब तक मैंने फटाफट से टमाटर कट कर लिए और साथ ही थोड़ा धनिया भी कर लिया था। चला देंगे चावलों को। अभी देखिए 90% चावल पके हैं। अब यहाँ पे मैं धनिया और टमाटर डाल दूंगी और अब इसको हम चला देंगे और फिर से ढक के रख देंगे। अभी देखिए चावल हमारे तैयार हो गए हैं। 5 मिनट को हम ऐसे ही रख देंगे, इसके बाद हमारे चावल बढ़िया खिले खिले से ही निकलेंगे। अब बनाते हैं हम यहाँ कुट्टू के आटे की पूरी। ये देखिए कुट्टू का आटा, इसको छान लीजिए। हमेशा जब भी आटा व्रत का जब भी कुछ बनाए उसको छाने जरूर। अब यहाँ पे मैंने आलू को ये देखिए कद्दूकस कर लिया। अब इसको मैं मिला दूंगी इसी में, डाल देंगे धनिया पत्ती, थोड़ा सेंधा नमक डाल दिया, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे तेल डाल दिया और अब इसको हम मिला के एक अच्छा सा डो तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी लेके डो बनाइए, ज्यादा पानी डालने से एकदम गीला हो जाएगा आटा। हमें ज्यादा ढीला आटा नहीं चाहिए, ना ज्यादा टाइट हो ना ज्यादा ढीला हो। चलिए तवा रख दिया है, गर्म हो गया। अब ये देखिए इस तरीके से मैं इनको रोटियों को इस तरीके से बेल के बना रही हूँ। आप चाहे तो इतनी बड़ी ऐसे रोटी बना लें, अगर नहीं आपको घी से वैसे खाना तो आप सेक के उस तरीके से ले सकते हैं।
मैं यहाँ पे घी लगा के देखे बना रहे, पलट पलट करके घी लगा के इसको हम अच्छे तरीके से सेक लेंगे। अब एक मैं आपको दूसरा तरीका दिखाती हूँ, ये देखिए साइडों में से किनारी फटी फटी सी हो रही है। तो प्लेट अगर रोटी आपको चाहिए तो इस तरीके से आप ग्लास से या किसी बड़े मुंह का वैसा ढक्कन हो उससे कट करके आप ये देखिए इस तरीके से निकाल के इसको भी सेक सकते हैं। आप रोटी बनाना चाहे तो इसको रोटी बना सकते हैं और पराठा बनाना चाहे तो पराठे बना सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपके पास हैं और दोनों ही ऑप्शन मैंने आपको। देखिए दोस्तों हमारी व्रत की थाली बनके तैयार हो गई है। चलिए आ जाइए मामा जी के हम भोग लगा रहे हैं, आ जाइए। चलिए खाना हमने खिला दिया मामा जी को, अब हम पानी भी दिलाएंगे उनको। तो देखा आपने किस तरीके से हमने व्रत की थाली बनाई है, आपको कैसी लगी है ये व्रत की थाली मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं रोज आपके कमेंट का इंतजार करती हूँ। हाँ दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे और हैप्पी पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस जरूर करें ताकि आपको मैं जो भी रेसिपी बना के आपको दिखाती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और सबसे पहले आपके पास मेरी रेसिपी पहुँच जाए। तो चलिए चलती हूँ, फिर से आएंगे कल से एक और नई व्रत की थाली लेके। तब तक के लिए जय माता दी।